इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित में बहुपद का अभ्यास एक्सरसाइज 2D। और हम जो है इस सीरीज को लगातार चला रहे हैं कक्षा 9 के, और ऐसे ही हम कक्षा 9 और 10 के जो है प्रॉपर वीडियो डालते रहेंगे और आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको कराएंगे पास। ठीक है, जैसे हमारे जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वैसे ही अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं आप लोग को अच्छे से पास कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं बहुपद हमें क्या पढ़ना है। बहुपद में पढ़ना एक सर्वसमिका का प्रयोग करके गुणनखंड करना। ठीक है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन लिए हैं मैंने और इस सर्वसमिका का प्रयोग करके हम सबका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए सर्वसमिका है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इसी का यूज करके हम सारा जो है गुणनखंड करेंगे। और ये धर्मेंद्र बिश्नोई की बुक का 2D है, धर्मेंद्र बिश्नोई का जो है वो 2D है। चलिए देखिए, तो ये 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर और माइनस ये x जो है वो पहले से ही स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह, तो यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी, मतलब कि a की जगह पे 6 और प्लस b की जगह पे क्या है, b की जगह क्या है x है, तो 6 प्लस x, और फिर एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, तो 6 और माइनस x, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप बस इसको समझ जाओगे बहुत ही आसानी से करोगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और x तो ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 81 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कई लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 10 और x का होल स्क्वायर कैसे कर दिया, तो मैंने घात वाला जो वीडियो बनाया है उस घात वाले वीडियो का आप जब देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे मैं वो चीज़ें नहीं बताने वाला। ठीक है, तो 10x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा a बन गया और ये पूरा का पूरा b बन गया, तो ब्रैक क्या होता है हमारा फार्मूला, a प्लस b, a की जगह पे 10x है और प्लस b की जगह पे क्या है 9y है, और एक ब्रैकेट में a और माइनस b। ठीक है, तो जो a की जगह पे था और b की जगह पे था वो दोनों को लिख दिया और एक में प्लस लगा दिया एक में माइनस लगा दिया, सबसे आसान तरीका है, ट्रिक है बहुत अच्छा सा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा जो है तिकड़मबाजी कर रहा है हमसे, बट कोई बात नहीं, तिकड़मबाजी करने दो, उससे क्या दिक्कत है। इस पूरे को मान लेते हैं a और इस पूरे को हम मान लेंगे b। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3, और ये पूरे का क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर, तो अब a की जगह पे हो गया a प्लस बी और b की जगह पे हो गया 3c, तो करना क्या है, a की जगह पे लिखना है a प्लस बी और प्लस b की जगह पे क्या है 3c, तो ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या है a प्लस बी और माइनस b की जगह क्या है 3c, हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब चौथे पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, और ये x और ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस 4 किसका है तो 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए, देखिए ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टक टक कर रहा है, आप उस पर फोकस मत करिए, इस पर फोकस करिए, 7/9 एक्स का होल स्क्वायर, अब ये पूरा बन जाएगा a और ये पूरा बन जाएगा क्या b बन जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में 7/9 एक्स और फिर प्लस b की जगह क्या है 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, एक ब्रैकेट में a और माइनस एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब इसमें देखिए, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें क्यूब दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, x और x इसमें से कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 81x का स्क्वायर और माइनस, जहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 1, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि x कैसे कॉमन लेके 1 हो गया, जो इससे पिछले वाला जो वीडियो मैंने डाला था 2c, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये 1 कैसे हो गया, मैंने वहाँ पे बहुत ही बारीकी से बताया है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये x जो है वो तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 81 जो है वो किसका है 9 का स्क्वायर है, तो 9x और उसका होल स्क्वायर और माइनस 1 का, हम 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, 1 को 1 का स्क्वायर तो हम लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये x हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये 9x का स्क्वायर हो गया, तो a की जगह पे 9x और b की जगह पे 1, तो एक ब्रैकेट में a और प्लस b और एक ब्रैकेट में a और माइनस b, ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है,
आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और डिफिकल्ट, ये धर्मेंद्र बिश्नोई की जो बुक है ना वो धीरे 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 क्या करती है, आपके लेवल को बढ़ाती है और आपको जांच करती है कि आप कितने ज़्यादा आपका माइंड जो है वो एक्टिव है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा टफ कर दिया, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, ठीक है, मतलब ये 4 का स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बन गया पूरा a और ये पूरा बन गया हमारा b, याद रखना ये पूरा a बन गया और ये पूरा मेरा b बन गया, मतलब कि ये जो है a की जगह पे और ये b की जगह पे, तो एक ब्रैकेट में क्या होता है हमारा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a, a की जगह पे क्या है 4x plus y, और प्लस b की जगह पे क्या है, ये पूरा है 6 और x माइनस y, एक ब्रैकेट हो गया a प्लस बी, और फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a, ठीक है, a और माइनस क्या लिखेंगे b, ठीक है, तो ये a प्लस बी बन गया और ये a माइनस बी बन गया। देखिए ध्यान से समझिएगा फिर मैं समझाता हूँ। देखिए ये जो 16 था वो 4 का स्क्वायर हो गया और 36 जो था वो 6 का स्क्वायर हो गया, ये टोटल मिलके a बन गया, तो a का स्क्वायर और ये टोटल मिलके b स्क्वायर, ठीक है। तो a एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो a की जगह पे क्या होगा 4 और x प्लस वाई, और फिर प्लस b, b की जगह क्या है 6 x माइनस वाई। अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे 4 और x प्लस वाई a बन गया और माइनस b की जब क्या है 6 x माइनस वाई, क्लियर है। अब यहाँ पे हम और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे बताते हैं, 4 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, और प्लस 6 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और 6 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा, ठीक है। चलो 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और 4 का y में करेंगे तो 4y, और 6 का x में करेंगे तो 6x, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 4x और 6x को अगर ऐड करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और 4y में से अगर 6y को घटाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, अब 4x और यहाँ पे 6x जब घटेगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और 4y में जब 6y जोड़ेंगे तो ये हमारा 10y हो जाएगा। इसको हम चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा सिंपल वे में लिख सकते हैं ऐसे करके 10y माइनस 2x, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्लियर है। चलिए अब ये लास्ट जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का, अब ये जो है ये उससे टफ टाइप का आ गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। देखिए ए स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर है और ये जो माइनस का बी स्क्वायर है, इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर इनको जो है हम लोग क्या करते हैं एक साथ लिख लेते हैं, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। चलिए ले लिया, अब ये जो है फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, सी, तो जब सी कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से बचेगा ए, और बाहर माइनस है तो अंदर कर देगा माइनस और अंदर बच जाएगा बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी जो है वो क्या मिल जाएगा हमें, कॉमन मिल जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा ए प्लस बी और ये माइनस का सी। जिन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो इससे पहले वाला जो मैं वीडियो मैंने जो डाला है 2c वो पक्का देख ले, तब ये सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी, और फिर अब चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं बहुत ही ख़तरनाक पड़ाव पे, जहां बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और फंसाने वाले होंगे, तो करना हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम इस जो है राक्षस से, ये बहुत ही बड़ा राक्षस है, सबसे बड़ा राक्षस जो है ये वाला है, अभी जब हम इसको करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको करते हैं, इनको निपटाते हैं, सबसे पहले जय बजरंगबली, तो 4 है तो 4 का 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर और माइनस 2b और माइनस c का होल स्क्वायर। देखो इस पूरे को मान लो b और इस पूरे को मान लो a, ये पूरा a और ये पूरा b, ऐसे मान के चलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या है 2a माइनस 3b, ठीक है, और फिर प्लस b की जगह पे क्या है 2b और माइनस सी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख लिया। चलो अब दूसरा ब्रैकेट में a और फिर माइनस
टू बी और माइनस सी। यहाँ पे ध्यान रखो कि जब बाहर माइनस होता है ना तो ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो चेंज करेगा साइन को। अब टू में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए, और फिर टू में थ्री बी का गुणा करेंगे तो सिक्स बी, और प्लस टू बी और माइनस ये सी हो जाएगा। टू तो फिर यहाँ पे वही होगा फोर ए, और टू में थ्री का तो सिक्स बी और माइनस टू बी, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर ए का कोई कोई भी साथी नहीं है तो फोर ए ही रहेगा, और सिक्स बी में से अगर टू बी को जब घटाएंगे तो माइनस का फोर बी और माइनस ये हो गया हमारा सी। अब यहाँ देखो सिक्स बी और टू बी जो है माइनस माइनस है, जुड़ता है लेकिन माइनस साइन रहता है, तो फोर ए का कोई साथी नहीं है तो फोर ए बेचारा अकेला रहेगा, और माइनस सिक्स बी में टू बी अगर जोड़ देंगे तो एट बी, और ये प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। चलिए अब फिर आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल जो है हमारा वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे, है ना, या बी स्क्वायर को हम लोग साथ में ले लेंगे, जिसको भी चाहिए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ हम बी स्क्वायर को ही साथ में ले लेते हैं, और बाकी जो बचेगा क्या, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस माइनस ए स्क्वायर को यहाँ कर लेते हैं और प्लस वन को यहाँ, मतलब ए स्क्वायर को पहले लिख दिया और प्लस वन को यहाँ, और इन दोनों को एक साथ। इन दोनों में से कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा? बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ से क्या वन बचेगा। अब माइनस यहाँ दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम माइनस वन कॉमन ले लेंगे। जब माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर जो है माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर गया तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और वन हो जाएगा। देखो ये दोनों सेम सेम आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक पास लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस वन, और एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस वन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टिपिकल है। अब देखो भैया ये सबसे ख़तरनाक सवाल है, ये सबसे ख़तरनाक है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ख़तरनाक सवाल है। ठीक है, देखो अब इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक एक एक स्टेप समझते चलना, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक सवाल जो है यही है। ठीक है, चलो अब इस पूरे को मान लेते हैं हम a, और इस पूरे को हम मान लेते हैं b, मतलब a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a और प्लस b की जगह पे पूरा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और फिर एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा a और माइनस, ध्यान रखना माइनस है ना, माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, अब ये जो है ए स्क्वायर और माइनस बाहर है तो ये प्लस जो है वो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस जो है ये हमारा जो है ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये तो इजी है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे ये चीज़, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसका फार्मूला होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो मतलब ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बचेगा हमारा माइनस सी का स्क्वायर। चलो क्लियर होगी बात? अब यहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, देखो ये प्लस का है, इसको आगे लिख लो सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, ये देखो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, मतलब मैंने माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये जो ए स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा, ये जो बी स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो टू ए बी जो है वो माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लस का था। ठीक, क्लियर होगी बात? एक बार फिर समझाता हूँ। देखो ये जो सी स्क्वायर था ये प्लस का था, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया फिर? माइनस। अब इसमें से पूरे में से क्या किया? माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लूँगा तो देखो ये माइनस और माइनस का है तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये टू ए बी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो यहाँ पे एक लाइन और जाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, ये सी स्क्वायर और माइनस, ये जो है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फार्मूला है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये फार्मूला बन के हमारा तैयार हो गया। क्लियर है बात? अब यहाँ देखो
ये पूरा ए का ए बन जाएगा, ये पूरा बी, ये पूरा ए बन जाएगा, ये पूरा बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है वो इसका है, अब इसका पोर्शन बचा है, ठीक है। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए, ठीक है, ए और फिर प्लस, ठीक है, प्लस और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब बी की जगह पे ये है तो ए माइनस बी, और फिर बनेगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए की जगह पे क्या है सी और माइनस, है ना, माइनस और क्या है फिर क्या बना बी, तो बी की जगह पे क्या है ए माइनस बी। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके बाहर क्या है माइनस लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है ब्रैकेट लिया है। अब हमारा जो है ये सवाल जो है अब जाके जो है ये सवाल जो है हम लोग का सॉल्व हुआ है, और इसीलिए मैं यही रीज़न है कि मैं धर्मेंद्र बिश्नोई करा रहा हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र बिश्नोई इज़ द बेस्ट बुक फॉर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, जिसको बहुत ज़्यादा और बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है। देखो ध्यान से, माइनस है तो ए और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो धर्मेंद्र बिश्नोई जो है ना वो बड़े बड़ों की हालत ख़राब कर देगा, ये बात जान लो। और अगर तुमने इस सवाल इस बुक को लगा लिया तो फिर कोई ऐसा सवाल कोई ऐसा बुक नहीं है जो तुम ना लगा पाओ, ठीक है। बहुत डेंजरस ये बुक है, बहुत ही तगड़ी बुक है, और इसको लगाना सबके बस की बात नहीं है, ये भी बात जान लो। चलो देखो, अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये टू वाई माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो चलो इसमें भी हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग दो दो का पेयर बनाएंगे तो ये काम हमारा जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो लॉजिक वाले पूरे सवाल हैं धर्मेंद्र बिश्नोई में। अब हम क्या करेंगे ना, इन तीनों को साथ में लेंगे। क्यों लेंगे मैं अभी बताता हूँ। क्या करो ना कि माइनस तुम कॉमन निकाल लो, है ना, सब में से माइनस कॉमन, पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लो। जब तुम माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर जो है अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी सब जो है प्लस के हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वन और प्लस टू वाई, और बचा जो ये एक्स स्क्वायर वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। हम इस वन को हम वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू और ए की जगह पे वाई और बी की जगह पे वन, तो इनको अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा टू वाई। मतलब कि ये जो पूरा जो पोर्शन है ये क्या बन गया तुम्हारा, क्या बन गया तुम्हारा, क्या बन गया तुम्हारा, बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कि ए की जगह पे वाई और b की जगह पे 1, उस पूरे का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बाहर जो है मैंने माइनस तो बाहर लिया ही लिया है। अब क्या बन गया, ये पूरा a बन गया और ये पूरा b बन गया, मतलब कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला देखो, a प्लस बी, तो a की जगह पे क्या है y प्लस 1 और प्लस x, a प्लस बी बन गया, ठीक है। और एक ब्रैकेट में y और प्लस वन, मतलब a और माइनस बी हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट में ये माइनस जो है, ये जो है हमारा ये बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहीं पे चाहो तो यहीं पे आप क्या करो आंसर छोड़ दो, या फिर ये माइनस को अंदर करके अपना साइन को जो है चेंज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, उससे और ज़्यादा टफ सवाल आएंगे। जितना टफ सवाल भी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो एक्स और वाई, है ना, और फिर माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि बाहर माइनस है। अभी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा तो वन का स्क्वायर वन और प्लस ये क्या बन जाएगा ए का बी का स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस टू और ए, तो दो करने दो और एक्स वाई, तो दो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वन और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस का टू एक्स वाई हो जाएगा, तो टू एक्स वाई से टू एक्स वाई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वन और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ रख लिया,
और फिर वाई स्क्वायर और माइनस वन को क्या किया, हमने एक साथ रख लिया। अब देखो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा। तो क्या बचेगा फिर, थोड़ा ध्यान दो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वन, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस वन। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस वन इधर है, वन माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लो। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर जो है जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और वन जो है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वन। दोनों में से वाई स्क्वायर माइनस वन क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेते हैं, और फिर जो है जब यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस वन बचा तो अंदर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ से लिया कॉमन तो क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, अब देखो अब ये हो गया ए स्क्वायर। अब अगर हम इस वाई स्क्वायर माइनस वन को चाहें तो हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, और इस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, मतलब कि वन को आगे लिख दीजिए और माइनस एक्स स्क्वायर को पीछे लिख दीजिए, तो ये भी हमारा जो है बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई प्लस वन, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन, और ये बन गया तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये जो है हमारा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत टफ टफ सवाल है धर्मेंद्र बिश्नोई में, आप लोग ध्यान से करिए, इसीलिए तो मैं ये सवाल करवा रहा हूँ कि आपको जो है बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जो है शार्प हो जाए, आपको कैलकुलेशन करने आए। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो इस पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और प्लस a लिख लिया और प्लस b, तो b की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस बी माइनस सी, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि ये पूरा a है ये पूरा b है, तो a की जगह पे a प्लस बी प्लस सी और प्लस b की जगह पे a माइनस बी माइनस सी, फिर a की जगह पे a प्लस बी प्लस सी और माइनस, अब माइनस है तो देखो यहाँ पे अब माइनस बाहर होगा, तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ ना तो कन्फ्यूज हो जाओगे, b की जगह क्या है a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, चलो मैं कन्फ्यूज़न के लिए मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया। चलो अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो कि b प्लस का b माइनस का, c प्लस का c माइनस का, कट गया a और a कितना हो गया 2a। ठीक है, यहाँ बचा 2a। अब यहाँ देखो तो a प्लस b प्लस c और माइनस जब अंदर जाएगा तो ये a और ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो a से a जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2a और b मिलके 2b और c मिलके 2 सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको गुणा करके आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, 2a में 2b का गुणा कर देंगे तो 4ab आ जाएगा, और 2a में 2c का गुणा कर देंगे तो 4ac भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 15। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर सवाल की तरफ, देखिए बहुत ज़्यादा ये बड़े बड़े सवाल हैं और इनको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो कई लोग इसे ये समझते होंगे कि अरे ये क्या सवाल है, ये क्या करवा रहे हैं, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका जो है मैथ जो है इतना ही स्ट्रांग हो जाए कि आप, मतलब कि ये जो सवाल है ना ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र बिश्नोई की कोई भी आप ढूंढोगे ना, धर्मेंद्र बिश्नोई की एक भी बुक के जो सोल्यूशन है वो नहीं मिलेंगे, मैं ही सिर्फ जो हूँ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये चीज़ जो है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये एक सवाल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना वो गड़बड़ कर जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 7 का स्क्वायर बना के और माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेंगे, तो फिर इसका क्या होगा, है कि नहीं। तो सोच के चलना है, बहुत ज़्यादा लॉजिक, जब मतलब धर्मेंद्र बिश्नोई जब मैंने पहले बार जब पढ़ाया था अपने बच्चों को, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ खास है जो आपके लॉजिक को, आपके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, ये बात जान लो। तो देखो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करना क्या है, ये पूरा का पूरा जो नंबर है ना, इसको अगर देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। क्या करोगे ना, इन तीनों में से तुम ना माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस जब कॉमन निकालोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। चलो तो इस 49 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से। तो ये ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ये बन गया ए और ये मेरा टोटल बन गया बी, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है फार्मूला जो होता है हमारा वो वहाँ पे दिख ही रहा होगा, ए प्लस बी, तो ए की जगह पे सेवन और प्लस बी की जगह पे एक्स माइनस वाई, और फिर एक ब्रैकेट में ए और माइनस बी, तो एक्स और बी की जगह पे एक्स माइनस वाई। मैं बार बार जहाँ माइनस है उसके बाहर उसके अंदर जो है ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेवन माइनस, अब ये एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा एक हो गया, हमारा एक जो है आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे मिटा दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। एक क्वेश्चन था एक्स टू द पावर एट माइनस 256, है ना। तो विवेक सही है ना, एक्स टू द पावर एट, हाँ। चलो तो अब देखते हैं बाबू, ये 256 जो है वो जो है वो किसका, मतलब कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दो का कम से कम, ये जो है देखो कैसे, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस दुना चौंसठ दुना एक सौ अट्ठाईस दुना दो सौ छप्पन, मतलब दो के जो आठ घात होगा ना तब जाके 256 होगा। नहीं अगर समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, तो 256 का वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकालने तो आता ही होगा ना। तो दो 128 बार में जाएगा, फिर दो 64 बार में जाएगा, फिर दो 32 बार में जाएगा, फिर दो 16 बार में जाएगा, फिर दो 8 बार में जाएगा, फिर दो 4 बार में जाएगा, फिर दो 1 बार में जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही बन रहा है जी, 128 64 32 16 8 4। और यहाँ देखो मैं दो दुना चार होगा तो मैं सीधा दो करने दो कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, दो करने दो। चलो कितना बन गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब कि हम लोग इसको दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, मतलब दो दो चार और तीन सात एक आठ, मतलब कि दो पे घात आठ हम लिख सकते हैं 256 को। अब क्लियर हो गया ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं x टू द पावर 8 और माइनस 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे बनाना है वैसा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, तो मैं घात वाले नियम में मैंने बताया था कि x स्क्वायर पे पावर नहीं, x स्क्वायर पे पावर 4 नहीं, x टू द पावर 4 पे पावर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना एक मैंने फार्मूला बताया, चलो बता देता हूँ, ए टू द पावर एम एम टू द पावर एन हम लिख सकते हैं, क्या होता है इसका मतलब, ए टू द पावर एम इंटू एन होता है, ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं चार पे पावर दो लिख सकता हूँ तो चार का दो में गुणा करेगा तो आठ हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा, बात वही हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेम वही काम करेंगे, दो पे घात चार और चार पे घात क्या कर देंगे हम आठ कर देंगे, क्लियर हो गई बात। सॉरी देखो आठ कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये पूरा जो बन गया ए बन गया और ये जो पूरा बन गया वो बी बन गया, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में ए और प्लस का बी और एक ब्रैकेट में ए और माइनस का बी, ठीक है, ध्यान देना बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए अब यहाँ पे जो है ये x टू द पावर 4 और प्लस दो पे घात चार है तो दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह, ये बन गया x टू द पावर 4 और प्लस 16। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, x टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकता हूँ दो स्क्वायर का स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ इसको ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो ये फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ, ठीक है, मैं जो है इस सवाल को ऐसे घेर देता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो ये बन गया, ये तो जैसे है x टू द पावर 4 प्लस 16 वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो फिर a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ये पूरा a ये पूरा b, ठीक है। अब बन गया a प्लस का b और फिर a माइनस का b, ठीक है। अब देखो एक ब्रैकेट में x टू द पावर 4 प्लस 16 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और प्लस दो दुने का चार, अब देखो फिर यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर इसको तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी,
ये होगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। और धर्मेंद्र बिश्नोई में यही एक खासियत है जो आपको इतना ब्रिलियंट बना देगी, अगर आप 9 से इस तरीके के सवाल करते हो तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाओगे, आपका माइंड जो है शार्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और आप कैलकुलेशन में तो एकदम महारत हासिल कर लोगे। बाकी बचे हुए और जो सवाल हैं, 5 सवाल हैं, फिर करके इसको करते हैं ख़त्म इस चैप्टर, और हम आगे बढ़ते हैं 16, 17, 18, 19 और एक सवाल और बच जाएगा उसको करेंगे। देखो भाई, पहले ही बता देता हूँ कि जिन्हें क्या बोलते हैं बस क्या बोलते हैं अब पास होना है उसके लिए तो भाई एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और जिन्हें बहुत ज़्यादा अपना मैथ स्ट्रांग बनाना है, जिन्हें कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग बनाना है, जिन्हें अपना माइंड शार्प करना है, वो ही इस वीडियो को देखेंगे, अन्यथा वो छोड़ के चले जाएँ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये जितने भी हैं सवाल, जितने भी यहाँ पे सवाल हैं, सब लॉजिक वाले सवाल हैं। विदाउट लॉजिक यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल वो आप नहीं कर पाओगे विदाउट लॉजिक। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो 4x² + 9y² + 12xy - z². अब यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे ना, ये चीज़ जो है ना, ये ना बनेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो मैं कैसे बनाता हूँ दिमाग लगा के, 4x का स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, और देखो 12xy है ना, तो 12xy को क्या लिखेंगे, देखो अब देखो क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या है 2x, b की जगह पे क्या है 3y, और क्या होता है 2, तो 2ab बन गया ना, 2ab। अब देखो 2 + 3 = 6, 6 × 12xy हो गया, 12xy क्या बन गया 2ab बन गया, और माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह पे 2x और बी की जगह पे 3y, तो 2x और प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस में जेड का होल स्क्वायर, ये पूरा बन गया ए, ये पूरा बन गया बी। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए और प्लस बी, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए और माइनस का बी, ये हो गया हमारा आंसर। ये लॉजिकल सवाल है, ठीक है, सब लॉजिकल सवाल है, एक भी ऐसे सवाल ऐसे नहीं है जो यहाँ पे लॉजिक विदाउट लॉजिक हो। यहाँ देखो इसमें भी सबसे तगड़ा लॉजिक लगा है। देखो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2ac मिलेगा और यहाँ पे 2b मिलेगा, और इन्हीं दोनों की मदद से हम बनाएंगे अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हम बनाएंगे। देखो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस, देखो ये जो ए स्क्वायर है और ये जो सी स्क्वायर है और ये जो 2ac है, इसको साथ में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2ac को एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब ये जो है माइनस बी स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस 2b को मैंने एक साथ लिख लिया, क्लियर है। अब ये देखो, ये पूरा जो है ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे a है और b की जगह पे यहाँ पे c है, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ से इन सब में से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 2b। ठीक है, अब ये भी देखो बन गया ए स्क्वायर, अरे सॉरी यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब ध्यान देना, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी, ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे 1 है, तो बी माइनस बी का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये पूरा बन गया ए, ये पूरा बन गया बी, मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी हो गया और एक ब्रैकेट में ए और माइनस का बी, तो अब देखो ये बी है और माइनस बाहर है, तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये बहुत बार समझा चुका हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये आते हैं, देखो भैया सब लॉजिकली सवाल है, ये देखो ये भी बहुत ज़्यादा लॉजिक वाला सवाल है, विदाउट लॉजिक ये करना इम्पॉसिबल है, विदाउट जिसके पास दिमाग नहीं, जो एनसीईआरटी सवाल करता है वो कभी भी ये सवाल नहीं सॉल्व कर गया, पहले ही बता रहा हूँ। जो एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी जो है सबसे घटिया बुक है प्रैक्टिस के लिए, तो विदाउट एकदम घटिया है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना है, आपको मैथ को एकदम तोड़ के रख देना है, तो ये जो क्वेश्चन है यही आपको करने पड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जब करोगे तो लॉजिक इम्प्रूवमेंट और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम कुछ दिमाग लगाते हैं, देखो 16a² और ये 9, ठीक है, और हम क्या करेंगे इस 24a को साथ में लिख लेंगे, तो मैं क्या कर 16a² को क्या लिख सकता हूँ, 4a का होल स्क्वायर,
और 9 को मैं क्या ले सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर और माइनस 24a। ठीक है, यहाँ तक मैंने जो है काम कर लिया अपना। आगे बढ़ते हैं कि बचा क्या मेरे पास। देखो यहाँ पे बचता है माइनस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, और फिर ये बचता है मेरा प्लस का 2bc। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये पूरा a का स्क्वायर बन गया, ये पूरा b का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर और प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस। अब यहाँ देखो 2 into a की जगह पे लिख सकते हैं 4a और b की जगह पे लिख सकते हैं 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये नंबर आएगा, देखो 2 चौका 8 और 3 का 24, 24a आया कि नहीं आया। और इन सब में से क्या करो, तुम माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस जब कॉमन निकालोगे, ठीक है, जब माइनस मैंने कॉमन निकाला, तो जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये जो है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस सी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 2bc हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे 4a है और b की जगह पे 3 है, तो 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये भी बन गया, तो ये बन गया तुम्हारा b माइनस c का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये पूरे का मान लो a, ये पूरे का मान लो b, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखो यहाँ माइनस है बाहर, तो ये माइनस को प्लस कर देगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देख रहा हो ना कितना लॉजिक सवाल है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये 0.124 दो बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.124 का होल स्क्वायर और माइनस 0.003 और 0.003 दो बार है, तो इसको 0.003 का हम होल स्क्वायर कर लेंगे, और बटा में इसको जैसे है वैसे, इसको जोड़ना नहीं, इसको जैसे है वैसे ही करो। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी बताऊँगा। ये 0.00 ये हो गया मेरा 3। ठीक है, अभी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख सकते हैं। क्यों, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब नीचे जो है 0.124 और प्लस 0.003, ठीक है, ये देखो प्लस का और ये वाला प्लस का सेम है, कट गया। अब इसमें से 0.124 में से 0.003 घटा दो, तो 0.124 में से जब 0.003 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 4311, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.121, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो है 20वां सवाल है, और हम इसको करके और इस अभ्यास को करेंगे खात्मा, जो बहुत ही डेंजरस था, बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा लॉजिक से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा उलझनों से भरा हुआ, और इसको करके हम करेंगे समाप्त इसको। तो देखिए यहाँ पे ये क्या, 3/16, तो 3/16 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/8, तो 1/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे है वैसे ही इसको रहने देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था। ये देखो ये बन गया a, ये बन गया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी और पूरे का बटा 3/16 प्लस 1/8, तो इससे हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3/16 और माइनस 1/8। ठीक है, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। ठीक है, अब ये 16 करने 16 3 और माइनस 8 दूना 16 2, अब 3 2 1/16, तो ये हो गया हमारा ये जो है अभ्यास जो है 2D, जिसको मैंने इतने मेहनत से कर दिया है ख़त्म। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए, और अपने दोस्तों से जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, जो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, ये वीडियो ज़रूर उनको भेजिए। और अगर वो बच्चे ये कर लेते हैं तो मैं दावा देता हूँ कि वो कभी भी मैथ के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं फंसने वाले हैं, और आगे चल के भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आगे जब आप बड़े क्लासों में जाओगे ना तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत है, बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए बेस को स्ट्रांग बनाओ। कोई भी घर अगर उसका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो वो घर ढह जाएगी, अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा तो ढह जाएगी। वैसे ही अगर कोई बच्चा जो है बेसिक नहीं जानता है और वो 11th में चला गया, 12th में चला गया, तो उसका जो घर है ना वो ढह जाएगा। थोड़ा सा अगर टफ सवाल आएगा तो वो ढह जाएगा।
तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब करिए, और मेहनत को अगर अच्छा लगा मेरा तो आप लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।